संजू सैमसन की मेहनत गई बेकार, राजस्थान की 20 रनों से हार। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 20 रनों से हराया। दिल्ली के 12 अंक हुए अंक तालिका में पांचवें स्थान पर पहुंची दिल्ली। आईपीएल 2024 के 56वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल ने राजस्थान रॉयल्स की मजबूती टीम को हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने 20 ओवर में 221 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसके जवाब में राजस्थान की टीम 201 रन बना सकी और दिल्ली ने 20 रनों से मैच जीत लिया। इस जीत के साथ ही अब दिल्ली के 12 अंक हो गए। अब दिल्ली के अंक चेन्नई सुपर किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बराबर हो गए हैं। वहीं राजस्थान की टीम 16 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। दिल्ली ने राजस्थान को हराकर पांचवा स्थान हासिल कर लिया है। राजस्थान रॉयल्स के लिए उसके कप्तान संजू सैमसन ने 46 गेंदों में 86 रनों की पारी खेली। उनके बल्ले से 6 छक्के और 8 चौके निकले। हालांकि मुकेश कुमार ने उनका विकेट लेकर राजस्थान को हार की ओर धकेल दिया। संजू के अलावा रियान पराग ने 27 और शुभम दुबे ने 25 रन बनाए, लेकिन इनका योगदान राजस्थान को जीत दिलाने के लिए काफी नहीं था। दूसरी ओर दिल्ली के 3 गेंदबाजों ने बेहतरीन गेंदबाजी कर अपनी टीम को जीत दिलाई। कुलदीप यादव ने 4 ओवर में महज 25 रन देकर 2 विकेट लिए। मुकेश कुमार को 30 रन पर 2 विकेट मिले और अक्षर पटेल ने 3 ओवर में 25 रन देकर 1 विकेट लिया। दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो उसके ओपनर जेक फ्रेजर मैगर ने कमाल की पारी खेली। दाएं हाथ के बल्लेबाज ने 20 गेंदों में 50 रन बनाए। अभिषेक पोरेल ने भी 36 गेंदों में 65 रनों की पारी खेली। क्रिस्टन स्टेप्स ने 20 गेंदों में 41 रन बनाए, तो वही राजस्थान के लिए अश्विन ने 24 रन देकर 3 विकेट लिए। राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने माना कि ये मैच उनकी टीम जीत सकती थी। टीम को 11 से 12 रन प्रति ओवर चाहिए थे, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाए और आईपीएल में ऐसा होता है। हालांकि सैमसन के मुताबिक 220 का स्कोर 10 रन से ज्यादा था। संजू सैमसन ने ट्रिस्टन स्टेप्स की तारीफ की। डेथ ओवर्स में उनकी हिटिंग के दम पर ही दिल्ली ने 221 का स्कोर खड़ा किया, जो कि अंत में राजस्थान की हार की वजह बना। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों से बने रहने के लिए देखते रहे द खबरदार न्यूज़। तब तक के लिए धन्यवाद।